फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर पहले दोस्ती की और बाद में शादी करने का लालच देकर दुष्कर्म किया। मामला नागपुर के गणेशपेट पुलिस थाना अंतर्गत सामने आया है, जहां एक विवाहिता से आरोपी पिछले 2 साल से शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म कर रहा था। हालांकि शादी करने से इनकार करने के बाद मामला पुलिस थाने पहुंचा, जहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला 37 वर्ष की है और एसटी महामंडल में कंडक्टर है, जबकि आरोपी हिंगना निवासी 33 वर्षीय सतीश फरदे बताया जा रहा है। पीड़ित महिला विवाहित है और उसके 2 बच्चे भी है। पति से अनबन होने के चलते वह पति से अलग रहती है और उसका कोर्ट में भी केस चालू है। आरोपी से उसकी पहचान फेसबुक के माध्यम से हुई थी। आरोपी ने महिला को अपने प्रेम संबंध में फंसाने के बाद उसे शादी करने का झांसा दिया और गणेशपेट स्थित एक लॉज में ले जाकर कर्म किया। ये सिलसिला 2 साल से जारी था। जब महिला ने आरोपी पर शादी करने के लिए दबाव बनाया तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह पहले से ही शादीशुदा था। इस बात से आहत होकर महिला ने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच कर रही है। विवाहित महिला बाहर भाड़े तिचर तिच एक विवाहित पुरुषाशी ओख फेसबुक ओख त्याच्यात तिला माहीत नव्हतं हा विवाहित आहे म्हणून। ती विवाहित होती, याला माहीत होतं पुरुषांना, परंतु त्या विवाहित महिलेला त्यांनी आमिष दिलं की आपण लग्न करू, आणि शेवटी ती तगादा धरली की लग्न करायला पाहिजे, पण तो लग्नास नकार दिला। त्याच्यामुळे त्या माणसाला आम्ही गुन्हा दाखल करून त्या माणसाविरुद्ध गुन्हा त्याला अटक केलं। PSI कोलारी हे तपास करत आहे। आरोपी सध्या PCRमध्ये आहे।